हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय किचन। तो फ्रेंड्स, आज मेरे किचन में बनने वाला है गुलाब जामुन। आप देख सकते हैं ये कितना जूसी बना है और कितना अच्छा लग रहा है। तो इसे मैंने आज किस तरह से बनाया है, आज के वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ में वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये गुलाब जामुन मैंने किस तरह से बनाया है। तो इस गुलाब जामुन को बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे मावा यूज कर रही हूँ। ये मावा जो है मेरा घर का बना हुआ है, ये 2 दिन पहले ही मैंने बना लिया था, इसलिए फ्रिज में रखे थे तो थोड़ा हार्ड जैसा देखिए हो गया है। तो जब भी आपका बनाना हो तो आप ये मावा को फ्रिज से निकाल लीजिए 2-3 घंटा पहले, तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। तो ये मावा को देखिए, थोड़ा सा जहाँ हार्ड हो गया है उसको मैं अच्छे से पहले क्या कर लेती हूँ, इसको मथ लेती हूँ। तो इस तरह से आपको जो है पूरा अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। बिल्कुल जो हथेली है उसका जो पीछे का पोर्शन होता है वहाँ से आपको पूरा जो है उसका जो एक भी जो गांठ है वो उसमें नहीं रहना चाहिए। इस तरह से आपको पूरा मथना है, यानी इतना मथना है कि आपको जो है वो तेल जो है वो छोड़ने लगे। अभी दूसरा मैं जो चीज़ यूज करने वाली हूँ इसमें, वो है मेरा पनीर। वो भी मैंने दूध से ही बनाया है। तो ये पनीर भी मैं यहाँ पे 1 दिन पहले ही बना ली थी, 2 दिन पहले। तो पनीर जो देखिए मेरा थोड़ा सा हार्ड हो गया है, मैं फ्रिज में रखी थी। तो अभी दोनों चीज़ों को अच्छे से हम लोगों को मिक्स कर लेना है। इतना मिक्स करना है कि मतलब दोनों ऐसा लगे कि दोनों एक ही है, मतलब अलग अलग नहीं दिखना चाहिए। इतना हम लोगों को मिक्स करना है, मतलब 10 से 15 मिनट इस तरह से हम लोगों को मिक्स करते रहना है। आप चाहे तो ग्लास का भी यूज कर सकते हैं या फिर कटोरी का भी यूज कर सकते हैं मथने के लिए, लेकिन मथना जो है वो ज़रूरी है। 10 से 15 मिनट इतना हम लोगों को मथना है, दोनों को मिक्स करना है, ताकि ये जो है अपना घी जो है जिसके अंदर जो ऑयल है वो अपना छोड़ने लगे। तो इस तरह से हमने देखिए मथ लिया है और अभी थोड़ा सा ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है मथने के बाद। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे मैदा यूज करूँगी 2 चम्मच के आसपास, क्योंकि इसका जो बाइंडिंग होता है मैदा डालने से काफ़ी अच्छा होता है। तो अभी केवल मैं 2 चम्मच मैदा यूज की हूँ और फिर से इसको मुझे एक मतलब 2-3 मिनट तक अच्छे से गूँथ लेना है, ताकि ये थोड़ा सा जो मैदा है वो भी इसमें मिक्स हो जाए। अभी देखिए आपको पता नहीं चल रहा होगा कि ये इसमें पनीर और मावा भी है, ऐसे लग रहा है जैसे मतलब सिंगल मिक्सर है। तो इतना हम लोगों को इसको गूंथ लेना है। अभी मैं आपको मतलब गोला बनाना है इसका, तो सबसे पहले मैं एक ट्राई करके देख रही हूँ। इस तरह से आपको गोल बनाना है गुलाब जामुन तो आप गोल कर सकते हैं, लंबा बनाना है तो आप लंबा कर सकते हैं। तो अभी मैं पहला देखिए ट्राई करके देख रही हूँ, बिल्कुल मेरा जो है क्रैक नहीं हुआ है। अगर आपका क्रैक हो जाता है कहीं पर तो आपको क्या करना है, फिर से इसको मथना है। अभी देखिए मैंने इतना मथा है कि मेरे दोनों हाथ में पूरा तेल जो है वो लग गया है, मतलब पूरा ऑयल जो है वो घी अपना छोड़ना शुरू कर देगा। तो अभी मेरा कोई भी क्रैक नहीं हो रहा है, तो सब हमें क्या करना है, इसको मैं सारा गुलाब जामुन जो है इसी तरह से लंबा बना लेती हूँ, या गोल जो जिस शेप में आपको बनाना है उस शेप में आप इसको बना सकते हैं। तो अभी मैं सारा गुलाब जामुन बना लेती हूँ, फिर मैं नेक्स्ट स्टेप करती हूँ। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं सबसे पहले एक कढ़ाई को गर्म किया है, उसमें मैं इसका चाशनी जो है वो तैयार करूँगी। तो कढ़ाई जैसे ही गर्म हो जाता है तो 1 कटोरी के आसपास मैंने थोड़ा छोटे वाले कटोरी से चीनी लिया है। आपको अगर ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप ज़्यादा चाशनी बना सकते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो बना सकते हैं। तो चाशनी यहाँ पे पूरा चपचपा नहीं बनाना है, चाशनी एकदम नहीं बनाना है, बिल्कुल हम लोगों को क्या करना है, बस चीनी और पानी को खौलाना है। तो यहाँ पे जितना चीनी लिया है उससे 4 गुना हमने यहाँ पे पानी लिया है, क्योंकि उसको पूरा जो है हम लोगों को डिप करना होता है। तो 4 गुना हमने पानी लिया है और ये देखिए जब खौलने लगता है तभी हम लोगों को बंद करना है। ज़्यादा हम लोगों को चटचटा टाइप का नहीं बनाना है चाशनी टाइप का। अभी यहाँ पे मैं इसमें 3-4 इलायची डाल दे रही हूँ, ताकि इससे जो है इसका फ्लेवर जो है वो बढ़ जाता है। आपके पास केसर है तो केसर की रेसे भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं, उससे भी अच्छा काफ़ी कलर आता है। मेरे पास है नहीं तो मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो अभी देखिए मेरा गैस मतलब खौलना शुरू हो गया है, देख सकते हैं यहाँ पर। तो अभी मैं क्या करूँगी, इसको गैस के फ्लेम को बंद कर दूँगी और उधर मेरा गुलाब जामुन जो है वो बन गया है। तो उसको भी मैं इधर जो है कढ़ाई गर्म करके तेल में डाल दिया है उसमें, और मैं यहाँ पे नारियल का तेल यूज़ की हूँ। जो भी तेल आप यूज़ करना चाहते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें हम लोगों को गुलाब जामुन को इस तरह से पलट पलट कर जो है पका लेना है। आपको अगर पूरा काला जामुन पसंद है तो आप इसको पूरा काला कर सकते हैं, ज़्यादा पकाना है पका सकते हैं। अगर आपको थोड़ा कम पकाना है तो इसे थोड़ा कम पकाइए। तो जैसा आपको पसंद है वैसा आप बना सकते हैं। तो अभी मैं देखिए मीडियम फ्लेम पर इसको जो है पका ले रही हूँ पलट पलट कर। जैसे ही ये पक जाएगा इसको मैं बाहर निकाल लूँगी, और एक तरफ जो मेरा चाशनी है वो भी अभी पक रहा है, तैयार हो रहा है। तो दोनों चीज़ मेरा पैरेलली हो रहा है। अभी देखिए गुलाब जामुन मेरा पक गया है, तो अभी मैं एक एक करके सारे गुलाब जामुन को इस तरह से निकाल लेंगे। तो क्या होता है, सारा चीज़ जो है वो तेल जो है ये खुद ब खुद जो है जो एक्स्ट्रा तेल रहता है वो बाहर मतलब
निकल जाता है। तो इसी तरह से सारा गुलाब जामुन हमने निकाल लिया है और ये देखिए मेरा चाशनी भी जो है वो तैयार हो गया है। चीनी को बस मैंने खौलाया है, देखिए चाशनी बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, पतला ही रखना है इसको। और अभी जो बचा जो गुलाब जामुन है उसको गरम गरम इसमें डाल देंगे तो गुलाब जामुन जो है अच्छे से पक जाएगा। तो अभी दूसरा बैच जो है वो भी मेरा रेडी हो गया था, तो उसको दूसरा बैच भी मैं इसमें डाल दे रही हूँ। दूसरा बैच मेरा गोल था तो अभी गोल वाला भी मैं डाल दे रही हूँ। तो इसी तरह से आपको मीडियम फ्लेम पे इसको पकाना है, हाई फ्लेम पे क्या हो जाएगा ये जल जाएगा और आपका गुलाब जामुन अंदर से सीझेगा नहीं। तो अभी देखिए मेरा पहला बैच तैयार हो गया था, तो अभी इसको मैं डाल दे रही हूँ चाशनी में। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना ये। तो इसी तरह से हम लोगों को क्या करना है, सारा गुलाब जामुन जो है वो तैयार कर लेना है। अभी इसको मैं ढक देती हूँ और ढकने के बाद क्या होगा, ये इसके अंदर जो भी रस है वो अपना रस पी लेगा और ये जो है वो और जो है गुलाब जामुन सीझ जाएगा और जूसी बन जाएगा। तो जब तक मेरा दूसरा बैच तैयार होता है तब तक इसको इसमें सीझने देते हैं, और जैसे ही दूसरा बैच तैयार होता है उसको भी क्या करेंगे उसी चाशनी में जो है वो डालते जाएंगे और उसको ढकते जाएंगे। तो सारा गुलाब जामुन जो है वो रस पीते जाएगा और मेरा सारा गुलाब जामुन इसी तरह से हम लोगों को तैयार कर लेना। और ये इतना सॉफ्ट बना है, इसके सामने आपका कोई भी गुलाब जामुन नहीं टिकेगा, चाहे वो आप सूजी का बनाइए या फिर गेहूं के आटे का बनाइए, ये गुलाब जामुन जो है वो परफेक्ट है। अगर ये गुलाब जामुन आप एक बार बनाकर खा लेंगे तो मार्केट का गुलाब जामुन खाना भूल जाएंगे, इतना सॉफ्ट ये बनता है गुलाब जामुन। और इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ मैंने यूज़ नहीं किया है, केवल दूध से इसे बनाया है, दूध का पनीर और दूध का मावा। तो इस तरह से मेरा सारा गुलाब जामुन जो है वो तैयार हो गया है सारा बैच। तो अभी सारे गुलाब जामुन को मैं यहाँ पर डाल दे रही हूँ। डालकर आपको क्या करना है, 2-3 घंटा के लिए आप छोड़ दीजिए। मैं रात को बना रही हूँ तो मैं ओवरनाइट इसे छोड़ने वाली हूँ। इसी तरह से छोड़ने के बाद क्या हो जाता है, पूरा गुलाब जामुन जो है जूसी हो जाता है, पूरा रस जो है वो गुलाब जामुन पी लेता है। तो अभी मैं सारा इसमें डाल दे रही हूँ, सारे गुलाब जामुन को अच्छे से आपको इसमें डिप कर देना है। मतलब देखिए कहीं कहीं खाली रह रहा है तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सारा गुलाब जामुन जो है वो चाशनी में जा सके, तभी वो रस पी पाएगा। तो इस तरह से आप फैला दीजिए गुलाब जामुन को और ढककर जो है 3-4 घंटे तक छोड़ दीजिए या फिर रात भर छोड़ दीजिए। मैं इसको रात भर छोड़ने वाली हूँ। अभी देखिए रात भर मैंने इसे छोड़ दिया और देखिए सारा गुलाब जामुन जो है रस पी चुका है। तो इस तरह से देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ और देखिए सारा गुलाब जामुन, एक एक गुलाब जामुन देखिए कितना बड़ा बड़ा हो गया, उस टाइम डाले थे तो छोटा छोटा था, अभी देखिए कितना है रस पीकर फूला फूल गया है। तो इसी तरह से आप भी अपने घर पर गुलाब जामुन जो है वो बना सकते हैं। और अभी देखिए मैंने इसको देखिए सकते हैं आप कितना सॉफ्ट बना है। और ये देखिए मैं तोड़कर बता रही हूँ, देखिए मैं तोड़ना जब तब बिल्कुल सुबह का टाइम है, कोई खाने वाला नहीं, तो अभी मैं तोड़ नहीं रही हूँ। तो 12वीं जैसे ही उठेगी आप गुलाब जामुन खाना शुरू कर देगी। तो फ्रेंड्स आप भी अपने बच्चों के लिए इस तरह से गुलाब जामुन बना सकते हैं कोई भी फेस्टिवल में, बिल्कुल 15 से 20 मिनट में ये गुलाब जामुन जो है वो बनकर तैयार हो जाता है। और देखिए कितना रस पी लिया है और ये रस भी देखिए गिर रहा है। तो अगर आपके पास मावा है और पनीर है तो आप इसे आराम से बना सकते हैं या फिर मार्केट से मावा और पनीर लाकर भी घर पर बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत और गुलाब जामुन बनाकर जरूर खाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।